नीमच जिले के जावत तहसील के अंतर्गत आने वाले हनुमंतिया निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे जावत शासकीय अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे नीमच जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिला चिकित्सालय से मिली जानकारी के अनुसार पंकज पिता राम रतन धाकड़ उम्र 29 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ घटक लिया था, जिसके बाद तबियत बिगड़ने पर उसे परिजन जावत के शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के पश्चात नीमच जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान युवक की रात्रि में मौत हो गई है। नीमच जिला चिकित्सालय में सोमवार की सुबह पीएम का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी है। जब रात को 10 बजे हम घर आए तो वो उल्टी करने लगा और हमको तब मालूम पड़ा, तब मैं नीमच लेके आया उसको। नीमच लाने के बाद में यहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।